दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का बादशाह भाई यूट्यूब चैनल पर। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 64 जो कि खेला जाएगा दोस्तों दिल्ली कैपिटल वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में। दोनों टीमों के बारे में बात की जाए, लेकिन उसके पहले दोस्तों हम चर्चा करेंगे पॉइंट टेबल के बारे में। पॉइंट टेबल के बारे में चर्चा की जाए तो दिल्ली कैपिटल की टीम अभी तक टोटल जो मुकाबले खेली है वो 12 मुकाबले खेली है, जिसमें से 4 मुकाबले में विन की है और 8 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। जबकि पंजाब किंग्स ने दोस्तों टोटल 12 मुकाबले खेली है और 6 मुकाबले में विन की है और 6 ही मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा है। कहीं ना कहीं दोस्तों दोनों ही टीमों के लिए ये दोस्तों बहुत ही शानदार मुकाबला है, जहां पर दिल्ली कैपिटल तो अब प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है, वहीं पर दोस्तों आज का यह शानदार मुकाबला पंजाब किंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मुकाबला हारेगा तो पंजाब किंग्स टॉप 4 से बाहर हो जाएगी। बात करें दोस्तों ग्राउंड के बारे में तो ये मुकाबला आप सभी दोस्तों को हिमाचल प्रदेश एसोसिएटन क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में देखने को मिला जाएगा, यानी कि धर्मशाला शिमला में ये मुकाबला खेला जाएगा। जहां पर वेदर के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों पार्सली सनी है, यानी कि कहीं कहीं पर धूप निकली हुई है और कहीं कहीं पर बदली भी है। बात करें पिच रिपोर्ट के बारे में तो फर्स्ट बैटिंग एवरेज 175 रन तथा सेकेंड बैटिंग एवरेज 146 के आसपास देखने को मिला है। वहीं हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड पर दोस्तों 232 रन और लोवेस्ट स्कोर 116 रन रहा है, जबकि हाईएस्ट चेज की बात करें तो 195 रन चेज हुए हैं और लोवेस्ट डिफेंडेड स्कोर इस ग्राउंड पर 170 रन देखने को मिला है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में। अगर प्रीवियस 10 T20 मुकाबले पे नजर डाला जाए तो दिल्ली कैपिटल ने 6 मुकाबले और पंजाब किंग्स ने 4 मुकाबले जीते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों पंजाब किंग्स हेड टू हेड में पिछड़ती हुई नजर आ रही, लेकिन लेटेस्ट परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो दिल्ली से दोस्तों थोड़ा सा परफॉर्मेंस एबव नजर आ रहा है पंजाब किंग्स की तरफ से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों के कुछ की प्लेयर्स के बारे में, जो कि आज के शानदार मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकते हैं। जहां पर पंजाब किंग्स की तरफ से शिखर धवन बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं, टीम के कप्तान ओपनर बल्लेबाज हैं। वहीं पर प्रभ सिमरन सिंह भी दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकते हैं, जो कि आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं 2023 में। वहीं पर भानुका राजापक्षा और जितेश शर्मा भी दोस्तों सभी की निजाहें रहने वाली है, लेकिन इस बार दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा लियाम लिविस्टन उतना प्रभावित नहीं रहे। जबकि गेंदबाजी से बात किया जाए तो नाथन एलिस और अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकता है, जबकि ऑलराउंडर के रूप में शयम करण और सिकंदर रजा से बेहतरीन गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी की उम्मीद लगाई जा रही। बात करें दोस्तों दिल्ली की तरफ से तो दिल्ली कैपिटल की तरफ से की प्लेयर्स में डेविड वार्नर और इनके साथ में रोमन पबिल बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं, जबकि मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल और मिशेल मार्श फिर चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी दोस्तों से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकते हैं। जबकि प्रॉपर गेंदबाजी के रूप में बात किया जाए तो एनरिक नोकिया और ईशांत शर्मा से शानदार गेंदबाजी की उम्मीद लगाई जा रही है। वैसे रायलू रोसो भी दोस्तों किसी किसी मैच में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वैसे आप सभी दोस्तों को क्या लगता है 64th T20 मुकाबला पंजाब वर्सेस दिल्ली के बीच में कौन सी टीम विन होगी, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही साथ बादशाह भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।